तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद मुजफ्फर हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिल व्यू पॉइंट। हिल व्यू पॉइंट के अंदर कुछ आमदीद हो, और अभी हम यहां पर मतलब ये है कि एक मतलब ना है गोदाम के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये देख लें यहां पर ये तराजू पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मतलब इस तरह तोल से मतलब ना है ये एक आइटम दिया जाता है। अभी हम मतलब इंटर हो रहे हैं इनके गोदाम की तरफ। आइटम मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आपको ये है कि ये एक तरीके से कंटेनरों का माल है, और अभी मतलब कंटेनरों का माल यहाँ पर मतलब इस तरह इस बड़ी क्वांटिटी के अंदर इस तरह आता है कि वो कबाड़ का आइटम हो जाता है, और फिर ये है कि वो उल्टा सीधा मतलब आगे पीछे वो सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो अब ये है कि यहाँ से आपको मतलब ना कोशिश करूँगा कुछ चीज़ की। अच्छा भाई, ये है कि ये जो पियानो बड़ा पड़ा हुआ ना खुलता है, इसका इसके क्या रेट है? ये है 2000 रुपये किलो। 2000 रुपये किलो है? अच्छा, किलो का हिसाब किताब है। सही सही सही। तो ये है कि ये भाई से मतलब ना है अभी हमने बात की है, जो इधर के मतलब जो ओनर हैं वो इसके मतलब ना है उनसे हमने बात की थी। यहाँ पर मतलब ये है कि ये आप देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर इनके पास माशाल्लाह से ये माल आया हुआ है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा तो इसको मतलब ये है कि कवर करने की, और यहाँ पर मतलब ये है कि ये सारा का सारा आइटम मतलब ना है आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखें, ये शीशे के मतलब ना है ये गिलास हैं, ये देखें यार ज़बरदस्त है यार, ऐसे ऐसे गिलास हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त गिलास हैं यहाँ पर। और ये ट्रे भी मतलब ये है कि ये नीचे शीशा लगा हुआ है इसका। ये क्या रुपये किलो है भाई? ये क्या रुपये? ये लदे 800 रुपये किलो है, सेटों के हिसाब है। अच्छा, और ये अलग-अलग हैं, सेटों का हिसाब है, 800 रुपये किलो भी है इसके अंदर, और कुछ मतलब मुख्तलिफ है। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर होगा भाई आपका? व्हाट्सअप नंबर नहीं, इधर ही आना पड़ेगा। अच्छा, इधर आना पड़ेगा। अच्छा, इसकी लोकेशन मुझे आखिर में पक्की मतलब वो बता देना, कोई भी आता हो तो वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। 55 नंबर गोदाम है। अच्छा, कोई भी आके पूछेगा 55 नंबर गोदाम बता देंगे ना इधर आने का। जब किसी को भी मतलब इस साइड की तरफ आना हो, मैं आइटम दिखा देता हूँ। 55 नंबर गोदाम, सुपर जनरल गोदाम। 55 नंबर मतलब गोदाम का नंबर है ये, और सुपर जनरल गोदाम है। इधर कोई भी इस साइड की तरफ आएगा तो वो ये पूछेगा, तो आपको ये है कि ये आपको आइटम आपको मिल जाएंगे। और ये मतलब ना भाई है, और ये मालिक होगा यहाँ पर, इसको आप ये देख लें, ये मालिक होगा। और ये है कि यहाँ पर मतलब आप ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं यार कि इस मतलब ना कैसे बिखरा हुआ आइटम, और कैसे मतलब ये है आइटम पड़ा हुआ, अभी इनके मतलब कैसे मतलब रेटों का भी मतलब वो बताएंगे, और कितनों का रेटों का बताएंगे, जो मतलब ना है उसे ये है कि आपको मतलब ना है उसे आपको ये डिलीवरी कर सकें। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा लाजमी। उसको मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लाजमी आना पड़ेगा, और आकर मतलब ये है कि आपको यहाँ पर आइटम मतलब ये है कि पसंद करके लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये है कि ये ओरिजिनल पियानो है, ये देख रहे हैं ओरिजिनल ये है कि पियानो है। कितना बड़ा साइज़ है? सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि किलो के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से जितना किलो होगा उतना मतलब ये होगा। यहाँ पर ये इस्त्री, ये देख लें ये इस्त्री है। अच्छा, ये भाई इस्त्री क्या है, किलो है? किलो में नहीं है, आपको पर पीस पड़ेगी 1500। 1500 रुपये की पर भी है? बिल्कुल ओके। अब ये नहीं पता, इम्पोर्टेड माल होता है, इसमें ये नहीं देखते कि हम ओके। अच्छा, 1500 रुपये की इस्त्री आप बता। अच्छा, तो ये है कि ये मैंने पीछे मतलब एक वीडियो, अच्छा ऐसी नहीं थी वो, थोड़ी सी दूसरी थी, लेकिन वो उन्होंने 3000 साढ़े 3000 रुपये की न्यू बताई है उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इम्पोर्टेड माल है। वैसे अगर आप बाय करोगे या इसकी गूगल नेट पर निकालोगे 5000 रुपये की। अच्छा, सही सही यार, वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, मैं मतलब ना किसी से गलत बयानी नहीं करता हूँ, वो मतलब इस्त्री वो थी, लेकिन वो वाली थोड़ी मुख्तलिफ थी जो 3500 रुपये उन्होंने बिल्कुल मतलब ना वो न्यू के बताया था। अच्छा, इन्होंने भाई ने बताया बोला कि ये मतलब इसकी अगर गूगल के अंदर इसके रेट टच करोगे ना तो ये है कि ये मतलब ना 5000 रुपये तक की मतलब ये है कि वो आपको मिलेगी ये इस्त्री। अच्छा, ये यहाँ पर मतलब ना है, इधर काफ़ी मतलब ना है आइटम पड़े हुए हैं, ये देख लें जो जो आइटम है। मैं आपके सामने यहाँ पर मतलब दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वो ये है कि ये है कि आपका इसमें जहन बन सके कि यहाँ पर मतलब क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मतलब ये है कि ये मतलब नए चीज़ों को फरोख्त करते हैं, गोदामों का माल होता है, और किस तरह आए लोग मतलब ना इधर यार बहुत बहुत मतलब ना रश होती है। मैं तो ये है कि थोड़ा सा मतलब ना है एहतियात से साइड से मतलब ये है कि कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मतलब ये है कि किसी को परेशानी भी ना हो, और ये है कि वीडियो भी मतलब ये है कि बन जाए, और आप लोगों को मतलब ये है कि उससे मतलब एक आइडिया मतलब हो सके। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये है कि आपको हर चीज़ के लिहाज से आपको यहाँ पर मतलब ये है कि चीज़ मिल जाएगी। आप जो मैं इतना गारंटी दूंगा आपको, आप घर से निकलोगे एक आइटम का सोच कर, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम का सोच कर आप घर से निकलोगे, और ये है कि यहाँ पर आपको 10 चीज़ें आपको पसंद आएंगी।
ऐसा मतलब ये है कि यहाँ पर सामान वगैरह ऐसा इम्पोर्टेड अभी जैसे भाई ने बताया कि भाई यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेड सामान होते हैं, कोई वो नहीं होते। और यहाँ पर ये देख लेना कि कैसे कैसे लाटें, मतलब ये है कि ये बनी भरी है, तो ये है कि इम्पोर्टेड सामान होते हैं। बाहर का मतलब ये है कि ये कौन उसमें ये शिपों के अंदर मतलब वो है कि वो आता है, इनके पास माल आता है। यहाँ पर ये देखें माल आता है, और इसी तरह ही यहाँ पर मतलब ये है कि वो आकर मतलब ना है ये वो नीचे मतलब रख देते हैं। नहीं नहीं क्यों आएगी तुम्हारी वीडियो, भैया बनाऊंगा ही नहीं। तो ये है कि यहाँ पर मतलब आपने देखा जैसे वो पिस्तौल वगैरह आपने देख ली कर ली, और यहाँ पर मतलब एक वो है कि वो क्या नाम है सीडी वगैरह मतलब वो पड़ी हुई, और एक स्पीकर मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर। ये देखें ये पूरा दो का मतलब पूरा सेट ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये स्पीकर है। और बिल्कुल मतलब ना यार मेरे को तो सही लग रहा है, डबल आगे पीछे मतलब ना वो चार मतलब लाउड लगे हुए हैं इसके अंदर, तो देख रहे हैं चार लाउड लगे हुए हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर ये मशीन आप देख लें, ये देख लें ये मशीन, ये देख लें ये जो मतलब ना है वो साफ़ करने वाली जो मशीन होती है, ये देख लें इसका अपना अपना पाइप वगैरह भी ये लगा हुआ है यहाँ पर। ये देख लें चार्जरों की मतलब ये है कि कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। यार ऐसा ऐसा आइटम आपको देखने को मिलेगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार क्या मतलब ना बंदा छोड़े, क्या बंदा छोड़े। अब ये स्पीकर है, कौन बोलेगा ये स्पीकर है, ये देख रहे हैं ये स्पीकर है, समझ में आता है स्पीकर है। लाइट नहीं है, नहीं तो आपको मतलब लाइट क्या है कि यहाँ पर मतलब ये गोदाम है, यहाँ पर मतलब लाइटों का मतलब कोई इतना वो खास वो होता नहीं है यहाँ पर। अब ये देखें कितना बड़ा बड़ा है, उठाने में इतना भारी लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पर ये है कि ये आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये देखें। अच्छा इनका मतलब ना है नंबर आप खुद समझ सकते हैं, ऐसे गोदामों का नंबर वगैरह मतलब ना है वो नहीं होता, होता भी होगा तो ये है कि लेने का मतलब ना कोई वो नहीं होता, क्योंकि आप सामान देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब ये है कि सामान मतलब ना है ये तोल का आइटम होता है सामान, इसी तरीके से आके ये मतलब ना है कंटेनरों के अंदर आता है, और इसी तरीके से ये मतलब ना है उल्टा सीधा आगे पीछे ये है कि ये रख जाता है। यहाँ पर ख़रीदारी के लिहाज से आपको मस्ट यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर ख़रीदारी के लिहाज से आपको मस्त यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा ये एक वो है जो आप यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो सीडी डिवाइस वगैरह है वो यहाँ पर आप मतलब ना है वो यहाँ पर ये देखें ये सीडी की डिस्क वगैरह लग गई, और वहाँ पर आपकी मतलब ना है वो वीडियो चलेगी, तो इस तरह से है। और ये है कि तो यहाँ पर मतलब एड्रेस है, एड्रेस मतलब ना है भाई से मैंने आपको बताया 55 नंबर गोदाम है इसका, और 55 नंबर के बाद फिर ये है कि ये क्या नाम है इसका वो शेरशाह जनरल गोदाम, ठीक है। यहाँ पर इसका ये हेलमेट देख लिया, ये ओरिजिनल मतलब इसका हेलमेट है, कोई ऐसा नहीं है कोई आप समझ रहे हो जो ये खेलते हैं ना हार्ड बॉल के ऊपर। अच्छा एक और मज़े की बात, ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, ये देखें कैमरा है फुल है इसका कैमरा है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देख लें लेंस वगैरह इसका, यहाँ से भी लेंस वगैरह है इसका जो ये मतलब ना है जो चलते हैं, तो इस तरह मतलब ये है। कट्टों के अंदर भी मतलब काफ़ी सारे माल वगैरह स्त्री वगैरह यहाँ पर भी पड़ी हुई है, और ये मतलब वो है जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह मतलब ये है कि यहाँ पर ये सेवर वगैरह ये देखें ये क्या है, सेवर है क्या है, तो यार ये है कि ये सारा का सारा मतलब ना है कबाड़ का आइटम है, और तोल के हिसाब से यहाँ पर ये है कि ये मिलता है। और यहाँ पर मतलब ना है आकर आपने कोई भी चीज़ लेनी हो तो वो आपने यहाँ पर आकर लेनी पड़ेगी। तो ये क्या चीज़ है यार, एक और चीज़ है ये USB है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रही है, 26 GB लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, बहरहाल मतलब पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, अच्छा ये देखें यार ज़बरदस्त, सर्दियों के लिहाज से मतलब हीटर, ओए होए हीटर भी मिल जाएगा सर्दियों के लिहाज से, पंखा फैन भी लगा हुआ है अंदर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हाफ कंडीशन लगी हुई है उसके लिए हीटर की। तो इस तरह यहाँ पर मतलब ये है कि कबाड़ के अंदर आइटम मिलता है। अच्छा ये है कि यहाँ पर ये देख लें किटल देख लें, ये क्या लैपटॉप है डिवाइस है क्या है, उल्टा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सीज़र की कोलेशन आपको ये दिखा दूँ, ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये दिखा हुआ है बैटल शिप कमांड, ये चीज़ ये देखा हुआ है वहाँ पर, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आइटम आपको देखने को मिले।
शेर शाह गोदाम का, और वो एक और मतलब वहाँ पर मतलब एक और वो है कि वो मिल जाएगी आपको इसी तरह की कांगई, वो इसी ही तरह की मतलब ना है वो आपको जो कैमरा था वो मिल जाएगा। और सीज़र मतलब ना है मैं आपको ये कुछ ही दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे छुरियाँ वगैरह की कलेक्शन, ये आपको काफ़ी सारी तादाद के अंदर छुरियाँ वगैरह मिल जाएंगी, ये देखो बहुत बड़ी तादाद है छुरियों की भी यार, हर तरह की छुरियाँ बकराईद वैसे ही आ रही है, देख लिया आपने यहाँ पर, ये देख लिया आपने ये कवर हो गया। और वो अभी कुछ सेटिंग कर रहा है, ये क्या है भाई ये पता नहीं क्या है, अच्छा ये वो है जो म्यूज़िक वगैरह जो बजाते हैं, म्यूज़िक जो बजता है, धुन जो चलती करते हैं। अच्छा ये फ्राई पैन छोटे, वो फ्राई पैन मतलब ये छोटे वाले टिफ़न, ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा वो देखो जैसे वो मतलब ना सामान खाली कर रहा है, वो मतलब ना शीशे वाले बर्तन का जो वो है, जैसे ये कप वगैरह हो गए, फ्रिज वगैरह हो गए, वो सामान वो खाली कर रहा है। यहाँ पर ये है कि ये सारा का सारा सामान आपको ये है कि मैंने इसका दिखा दिया, और उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पर स्टैचियाँ वगैरह कुछ, आप यहाँ पर आएंगे विज़िट करेंगे आपको ऐसा ऐसा आइटम आपको मिलेगा। मैंने आपको एक बात मैंने आपको जो बोली है वो 100-10% मैंने ये बात छोटी के साथ मैंने बोली है कि आप यहाँ पर लेने एक चीज़ आएँगे, और ये है कि यहाँ पर लेने एक चीज़ आएँगे और यहाँ पर 10 चीज़ें आपको पसंद आएंगी, क्या 10 चीज़ें आपको यहाँ पर ये है कि पसंद आएगी। यहाँ पर ये देखिए अभी बोला कि ना, बोला चूतिया वाली बातें कर रहे हो, चूतिया हो रहे हो, एक बोला एक मिनट हाथी लगाना, आपने क्या बोला, क्या बात है, बेस तूने बोलेगा ये बात सुन नहीं कर, एक मिनट भाई सुन नहीं करना, तू तो ये है कि यहाँ पर मतलब कुछ थोड़ा सा मसला भी हो गया है, वो आपस के अंदर मतलब ग्राहक और वो दुकानदार वो लड़ चुके हैं, ये है कि वो लड़ भी चुके हैं। और मैं इसका मतलब ये है कि 55 नंबर गोदाम और शेरशाह सुपर जनरल गोदाम के अंदर आना पड़ेगा, और उसके अंदर 55 नंबर गोदाम का आप किसी से भी पूछेंगे तो ये है कि आपको ये है कि इनका मतलब ना है उसके गोदाम के अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका सारा का सारा आइटम, और यार हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।